बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वर्बल पोर्शन भी हमने कर लिया, नॉन वर्बल भी कर लिया, और पिछली दफ़ा मैंने खैर पैटर्न टेस्ट नहीं करवाए थे, उसका मैंने सिर्फ आइडिया दिया था। इस दफ़ा पैटर्न टेस्ट भी कराऊंगा और इसके बाद एक और बुक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, सुपर इंटेलिजेंस बुक। ये सिर्फ आप लोग अपनी टेस्ट के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब आप लोग इंशाल्लाह ICSB के लिए जाएंगे आफ्टर FSC, तो वहाँ पर भी आपको इंटेलिजेंस टेस्ट देने पड़ेंगे। तो ये उस लेवल की प्रिपरेशन करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी लाइफ ये याद हो कि हमने कौन से ट्रिक्स सीखे हैं, ठीक है। तो दिस प्रिपरेशन इज फॉर योर होल लाइफ, इसलिए अच्छी तरह से सीख ले, आपके काम आएंगे, ठीक है, किसी भी जगह किसी भी फील्ड में इंशाल्लाह। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नॉन वर्बल सिंपल टेस्ट 2। अच्छा, पहले फिगर से आपने ट्रायंगल बना दिया और बीच में आपने इन स्क्वायर्स को पुट कर दिया, ठीक है। सब कुछ मैंने बिना देख के लिखा है। ओ आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। आपको तो स्टार मिलना चाहिए, और वो भी 3 स्टार मिलने चाहिए आपको, ठीक है। माशाल्लाह, दरवाजा बंद कर। तो नॉन वर्बल सिंपल टेस्ट नंबर 2 में असल में ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को आप लोगों ने हाफ कर लिया, तो स्क्वायर का हाफ ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने स्क्वायर्स को अंदर पुट कर दिया, ये जो स्क्वायर्स है ये आपने अंदर पुट कर दिया और उसको शेड कर दिया। तो अगर हम सर्कुलर देख ले तो सर्कुलर के पोर्शन बन गए, तो ये चारों आंसर्स उसी कैटेगरी में आ रहे हैं कि सर्कुलर के पोर्शन बना लिए। अब जो 2 फिगर बनेंगे वो यही बनेंगे ना कि ये जो अच्छा ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपने जो है वो स्क्वायर को पुट कर दिया था, ट्रायंगल बाहर रखा था, और अब आप एक ट्रायंगल को पुट करेंगे, ठीक है, और इसका एक पोर्शन ले लीजिएगा। जैसे क्यों नहीं रहा, ये आपने एक पोर्शन ले लिया इससे, ठीक है, ये इसका एक पोर्शन बन गया। लेकिन खैर ये तो उसके बगैर भी हो जाएगा। अगर हम पहले फिगर को देख ले तो उन्होंने 2 पुट किए हैं, ठीक है, यानी हाफ सर्कल लेके दूसरे में भी 2 पुट कर लिए। ये दूसरा और पहला और ए और बी तो बिल्कुल सेम है, ये यहाँ मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन जब आपका पेपर में आंसर शीट मिलेगा यानी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ये गलतियां नहीं होगी, ठीक है। तीसरा तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वो अनशेड है, और चौथे में उन्होंने रूल ही तोड़ दिया। रूल क्या था, रूल ये था कि यहाँ पे सिंपल लाइन्स होंगे और उसके अंदर जो है वो फिगर बना होगा, और यहाँ उन्होंने लाइन बनाई नहीं है बल्कि डायरेक्ट उन्होंने फिगर बना दिया, तो ये भी नहीं है। तो ए और बी में से किसी एक को क्लिक कर ले क्योंकि ये दोनों सेम फिगर है, ठीक है, मुझे तो इसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। और वहां पे फिर आपको बी थोड़ा सा चेंज मिलेगा या ए थोड़ा सा चेंज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक आंसर होगा, इसका 2 आंसर तो नहीं हो सकते, ठीक है। एक नया बच्चा आया है, उसको शायद इतनी जल्दी समझ ना आए, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, इस फिगर को देख ले, आपके पास एक स्मॉलर ट्रायंगल है, उस स्मॉलर ट्रायंगल को आपने यहां पुट कर दिया, उसका डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, ठीक है। फिर आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को एज इट इज आपने पुट कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो लाइंस लगा लिए वो भी जहन में रख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लग गए उसमें, इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग गई, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा फिगर है उसको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी जो इसका यू इस तरह का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, ठीक है, यानी इसको भी उल्टा करके रख दिया और इसके अंदर भी ये लाइंस लगा दिए। अब हमने इसी फिगर से बनाना है, ठीक है, किस तरह बनाएंगे। अच्छा, पहला ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पोर्शन को अगर आपको उल्टा करके रखेंगे तो आपके पास ये तो चारों में सेम दिया है ना, 1, 2, 3, 4, ये तो सेम दिया है, इसका तो डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये ए नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने इसको वाले को शेड नहीं किया, तो ये तो निकल गया बीच में से, ठीक है। बी नंबर में इस फिगर को शेड कर दिया और ऊपर रख दिया, ठीक है, यानी जो नीचे था वो ऊपर रख लिया और जो ऊपर था वो नीचे रख लिया लेकिन शेड नहीं किया, तो इसलिए ये फिगर भी नहीं है, ठीक है। तो ये ए और बी तो बीच में से निकल गए।
अब सी और डी को देख लेते हैं। डी तो इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लू शेड सिर्फ एक आना चाहिए और इसमें दो आ रहे हैं, तो ब्लू शेड दो नहीं आने चाहिए, एक आना चाहिए, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ओके, सी में आपको तीन रूल्स मिल रहे हैं जो कि पहले ऑप्शन में मौजूद है, यानी एक सिंगल लाइन वाला रूल भी मिल रहा है, एक ब्लू कलर वाला रूल भी मिल रहा है, और एक डबल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वाला रूल भी आपको मिल रहा है, इसलिए सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी बिल्कुल, आप लोग का आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। बेटा आप लोगों को नॉन वर्बल समझ तो आ रहा है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है? अब इस फिगर को देख लीजिएगा जरा, ठीक है, कॉर्नर में आपने सर्कल बना लिए, कॉर्नर में चार सर्कल्स बन गए, ठीक है, और चारों सर्कल्स ये आपने बना लिए। अच्छा, ये जो सिलेंडर है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसको आपने वर्टिकल रखा, और प्लस जो है वो उसके अंदर पुट हो गया, और स्टार जो नीचे था वो ऊपर चला गया। ये तो इजी है, काफी ज्यादा इजी है। किस तरह, अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो बार्स है ये तो सिंपल बन जाएंगे कॉर्नर्स, वो तो चारों में मौजूद है, तो उसको तो हम देखेंगे नहीं, हम ऐसी चीजें देखेंगे जो कि रॉन्ग आ रहा हो स्टेटमेंट में, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी लेकिन उसको मैं आप लोगों को दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। प्लस नीचे आ गया और स्टार ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इसमें उन्होंने प्लस अंदर डाला है ना, बाकी ये शेप बिल्कुल सेम है चारों में, प्लस जो है वो ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तो दो स्टार्स बने हुए, प्लस को गायब कर दिया, और ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ ठीक है, और सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल रख दिया। जब सिलेंडर को वर्टिकल रख दिया तो ये फिगर भी नहीं आएगा, एक मिनट यार, एक और चेंज भी आपको नजर आ जाएगा, अभी देख लेना। ये जो है ना, ये स्टार जो है ना बीच से अनशेडेड है, यानी व्हाइट कलर का है बिल्कुल बीच में से, ठीक है, और ये स्टार इन्होंने बीच में कलर कर दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन भी बीच में से निकल गया, ठीक है। अब ए और डी में देखते हैं कि क्या चेंज है। ए और डी में सिर्फ डायरेक्शन वाइज चेंज है, ये ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टार का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, स्टार जिस जगह पे बना हुआ है उसी जगह है, तो ये ऑप्शन भी बीच में से निकल गया, स्टार की डायरेक्शन को भी हमें चेंज करनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका दुरुस्त आंसर है। यानी मैं आप लोगों को साथ साथ लॉजिक्स बता रहा हूँ कि जो आंसर हम टिक नहीं कर रहे उसकी रीजन क्या है, ठीक है। पहले मैंने ऑप्शन बी को जो है वो रॉन्ग कर लिया क्योंकि उसमें दो स्टार्स बने हुए हैं, जबकि दो स्टार्स नहीं है, एक स्टार है और एक प्लस है। फिर मैंने ऑप्शन ए को गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ, स्टार जिस जगह बना हुआ है उसी जगह है। फिर ऑप्शन सी को मैंने इसलिए रॉन्ग कर दिया क्योंकि उसमें बीच में स्टार के अंदर शेड किया हुआ है, जबकि स्टार के अंदर शेड नहीं होना चाहिए एज पर दिस रूल, स्टार के अंदर अगर अनशेड है तो अनशेड ही रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका एक राइट आंसर आ गया, ठीक है जी। असफर मुश्ताक सर, ये जो इन्होंने फिगर दी थी इसको मैंने देखा था, ये जो दूसरी दी हुई है ना इस टू वाली, ये एज वाली को उल्टा किया था, तो मैंने पहली वाली को भी उल्टा किया था, तो भी डी आ रहा है, बिल्कुल डी आ रहा है। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग अपने माइंड से भी सोच सकते हो, मे बी आप लोगों के पास इसके एक और रीजन भी आ जाए, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लोग उसी तरह कर लो जैसे मैं, क्योंकि मैं कोई इनको स्टडी तो नहीं करता ना, जो जैसे देख रहा हूं वैसे डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब से मैं नॉन वर्बल पे आया हूँ, मैं आप लोगों के साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये साल में मैं एक दफा उठाता हूँ इस बुक को, ठीक है। वर्बल तो ये है कि याद रहता है कि यार वो ये काम हुआ था इसमें, अब शेप तो याद नहीं रहता ना कि कौन सी शक्ल में क्या हुआ था, ये कौन सा मैथमेटिक्स का फार्मूला है जो मैं याद रखूँ, तो मैं आप लोगों के साथ साथ डिस्कस करता हूँ, और ये एक नेचुरल मेथड बन जाता है, और नेचुरल मेथड से ज्यादा इजीली समझ आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, वन टू
दो रेक्टेंगल्स है और वो तीन हो गए, ठीक है। देखें दो रेक्टेंगल थे वो तीन हो गए, और ये जो साइड में शेडेड पोर्शन है वो अपोजिट साइड में चला गया, ठीक है। साइड में जो शेडेड पोर्शन है वो अपोजिट साइड में चला गया। अब यहां से भी हम तीन लाइंस बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3, थ्री लाइंस हम बनाएंगे। ये पहले वाला तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो इन्होंने फुल शेड कर दिया। दूसरे वाला नहीं है क्योंकि बीच में इन्होंने शेड कर दिया, बीच में शेड करने की क्या जरूरत थी। अच्छा ये वाला देख लेते हैं, 1 2 3, थ्री लाइंस बन गए, ठीक है। और हाँ ये इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने शेडेड पोर्शन को कुछ ज्यादा ही कर लिया। क्वेश्चन में तो इतना नहीं था ना, जितना क्वेश्चन में होगा उतना ही दूसरी साइड पे जाएगा, क्वेश्चन में तो इतना सा है और इन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। जबकि ऑप्शन डी पे देख ले तो वो ट्राइंगल वाला शर्त भी पूरा हो रहा है और साथ में जितना शेड होना चाहिए जितने साइज का उतना ही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके, ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। कैडेट्स के आप लोगों को समझ आ रहे हैं बेटा? यस सर, यस सर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन दे पा रहे सर, आ रहे। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग जो है ना चैट में मुझे अपने आंसर भी भिजवा दिया करें, ठीक है। एक बच्चे का मैसेज आ गया कि एक क्वेश्चन दोबारा समझा दे, कह रहे इस फिगर से ये बना, तो इस फिगर से कौन से वाला बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस फिगर से जब ये पहले फिगर से जब दूसरा बना तो ये टू लाइंस को हमने थ्री लाइंस कर दिए, यानी दो रेक्टेंगल थे हमने तीन बना दिए, 1 2 3। तो इस तरह इन तीन लाइंस, इन दो लाइन से भी तीन बनेंगे। अब जब तीन बन रहे थे तो उसमें से ऑप्शन ए इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे साइड को शेड कर दिया, जो कि क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें इस तरह कुछ नजर नहीं आया। ऑप्शन सी को मैंने इसलिए क्रॉस किया क्योंकि उन्होंने बीच वाले ट्रायंगल को शेड कर दिया, जबकि बीच वाले ट्रायंगल आप लोग यहाँ ऊपर देख ले तो बिल्कुल व्हाइट कलर का है। ऑप्शन बी को मैंने इसलिए रॉन्ग किया क्योंकि जो शेडेड पोर्शन है इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा शो हो रही है, जबकि शेडेड पोर्शन तो इतना सा है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा है जबकि नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा कम है। और अगर आप डी को देख ले तो उन्होंने उतना ही फिगर बनाया है और उतना ही शेड किया है जितना क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैंने दोबारा भी समझा दिया क्योंकि एक बच्चे का मैसेज आया था कि दोबारा समझा दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, यानी तो वही चीज है यार, 1 2 3, थ्री लाइंस है ना, तो लाइंस को कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल लाइन में, शेडेड लाइन में, ठीक है। नहीं, थ्री लाइन से हमने टू लाइंस बना दी और उसको शेड कर दिया, ठीक है। और बीच में जो ट्रायंगल है वो भी उल्टा हो गया ऑटोमेटिकली, जब लाइंस की लाइंस का जो सिमत है वो चेंज होगा तो ट्रायंगल का सिमत भी चेंज हो जाएगा। और ये जो थ्री छोटे छोटे बार्स बने हुए, सर्कल्स बने हुए, स्पेयर्स बने हुए, उसी तीन को रहने दिया लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दिया, ठीक है। अब हम यही काम इधर भी करेंगे। तो पहले तो एक लाइन होना चाहिए, ये राइट डायरेक्शन में है वो लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये वाला तो दो नहीं होंगे आंसर क्योंकि इन्होंने लाइन की डायरेक्शन राइट साइड में दी है। ऑप्शन ए इसलिए दुरुस्त आंसर नहीं है क्योंकि ये तीनों बार्स आपस में करीब है, हालांकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि तीनों बार्स को थोड़ा सा स्पेस देना है, तो इसलिए ऑप्शन सी दुरुस्त आंसर होगा क्योंकि तीनों बार्स को कोई ना कोई स्पेस मिल चुका है, ठीक है। तीनों बार्स को कोई ना कोई स्पेस मिल चुका है इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा, ओके। जी अब्दुल वहाब, यू कैन आस्क। सर ये इन्होंने कलर कितना पोर्शन किए इसके जो बायलेट ट्रायंगल के? कलर तो पूरा होगा, दो लाइंस को कलर किया ना, एक को इग्नोर कर दिया, जैसे यार पहले पार्ट में है वही दूसरे पार्ट में भी हुआ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, यू आर वेलकम। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर मुझे जरा चैट में भिजवा दे। स्क्वायर है उसको आपने बिल्कुल वर्टिकल लाइंस ड्रा किया। अच्छा इस तरह के जो लाइंस होते हैं ना ये कहते हैं वर्टिकल लाइंस, और जो लाइंस इस तरह के होते हैं इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है।
वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस? अच्छा फिर क्या हुआ? ओहो एक ट्रायंगल है उससे तीन बना लिए, दो उसी जैसे और एक इसका उल्टा और वो भी शेडेड और उसको सर्कल में भी बंद कर दिया और नीचे वाले में भी सिर्फ लाइंस लगा दिए। ठीक है ऊपर नीचे तो हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे ठीक है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि जितना इसका साइज है उतना ही है। ठीक है एक मिनट यार इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, नीचे वाले ऑप्शन नजर नहीं आ रहे। ठीक है अब कुछ गुजारा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ऐसे सही। अच्छा बीच में स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर्स आपने तीन बनाने हैं और बीच वाले को शेड करना है ठीक है, और साइड वाले दो सर्कल्स में बंद होंगे। तो ये ऑप्शन तो नहीं है ये वाला, क्यों? क्योंकि इन्होंने स्क्वायर को अंदर बंद कर दिया जबकि स्क्वायर को इंक्लोज नहीं करना था, स्क्वायर को अंदर रखना था और सर्कल बाहर बनाने थे। ठीक है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है क्योंकि स्क्वायर साइडों पे बन गए और बीच में एक स्क्वायर उन्होंने शेड कर दिया। ठीक है और तो कुछ रिवर्स नहीं हुआ। एक जगह कंफ्यूजन हो जाएगी लेकिन अजान के बाद बताऊंगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तो बिल्कुल एक जैसे आंसर है, बस एक चेंज आया है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस तरह की कंडीशन में आप लोगों ने करना क्या है। इस ट्रायंगल में ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसकी डायरेक्शन वही है जो ऊपर वाले रेक्टेंगल की है, जबकि इस वाले डायरेक्शन को उन्होंने चेंज किया हुआ है। तो हम ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी को क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि जो उन्होंने पहले दो ऑप्शन दिए हैं उसमें ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो नीचे वाला स्क्वायर है ये उल्टा हुआ है, क्योंकि स्क्वायर को उल्टा भी करो तो उसी तरह नजर आ जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने एक नॉर्मल मैनर के साथ सोचना है, ये नहीं सोचना कि यार ये उल्टा हुआ होगा। जब नजर ही नहीं आ रहा कि उल्टा हुआ है तो हम फिर क्यों उसको उल्टा कर दें। ठीक है और ऑप्शन डी में तो उन्होंने बीच वाले को शेड ही नहीं किया तो इस वजह से ये भी ऑप्शन नहीं है। So option B is the right answer. Okay. Is it clear to you people? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैंने आपको एक logic दे दिया, ठीक है? Question number 7. यार मैं ना समझाते हुए कोई चीज छोड़ता नहीं हूँ, तो आप लोग पहली दफा ही समझा करें। ये नहीं है कि सर एक दफा और समझा दे, मैं तो फिर हर क्वेश्चन दो दो दफा समझाऊंगा। टोटल मैंने 20 सवाल करने होते हैं तो अगर दो दो दफा समझाऊंगा तो 10 ही हो जाएंगे। फिर मैं जब एक एक चीज क्लियर कर देता हूँ तो जरा माइंड में रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आज मैं कोशिश करूंगा आप लोग को रिकॉर्डिंग भी भिजवा दूं, ठीक है इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 को देखे जरा, ट्रायंगल उसी तरह है, वर्टिकल लाइन लग गए। ये जो सर्कल के अंदर ए लिखा हुआ है इसको उन्होंने उल्टा करके वी लिख दिया और जो वी लिखा हुआ है उन्होंने उल्टा करके ए लिख दिया, मतलब वी को उल्टा कर दिया। ठीक है और नीचे ट्रायंगल उसी तरह है, वर्टिकल लाइंस। ये तो बहुत इजी है यार, सिर्फ आपने ऊपर और नीचे में वर्टिकल लाइंस लगाने हैं, इसमें और इसमें तो वर्टिकल लाइंस होने चाहिए। तो ये तो सब में वर्टिकल लाइंस है तकरीबन। ठीक है अच्छा अब ये वी को ए बनाना है तो ये बन गया और ए से वी भी बन गया। बीच वाले को शेड करना है, अब वो ये फिर उन्होंने उल्टा कर दिया। अब चलो देख लेते हैं, जरा गौर से देखिएगा। ए ए बी, हाँ ये बी ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि उन्होंने देख लिया यहाँ पे उस ए को उल्टा नहीं लिखा, सेम लिख लिया। ये ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि उन्होंने सेम लिख लिया, यानी वी वाले को बिल्कुल सेम लिख लिया, उससे ए नहीं बनाया। ठीक है अच्छा डी ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे, उसकी एक वजह है कि क्वेश्चन में ये तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि सर्कल उल्टा हो गया है और ना हम खुद से सपोज कर सकते हैं तो हम फिर ट्रायंगल को क्यों उल्टा करके लिखते हैं। देखिए इस ट्रायंगल को देख लें, उसकी ओरिएंटेशन अपोजिट टू प्रीवियस वन है जबकि इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम आ रही है, तो आप सेम ही लिखेंगे। ठीक है ट्रायंगल की ओरिएंटेशन आप बिल्कुल सेम ही रखेंगे। ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो रहे हैं?
यस सर सर जी क्लियर हो गया सर डन हो गया सही है ठीक है वेल डन क्वेश्चन नंबर 8 ये जो लाइंस के दरमियान ब्रेक है ना ये ब्रेक खत्म हो गया ठीक है ये लाइंस आपस में ज्वाइन हो गए और बीच में उन्होंने एक काइट सा बना दिया ठीक है इसको काइट वाला फिगर कहेंगे ना यानी उसी तरह का फिगर है लेकिन डायगोनल वाइज एक्सटेंड कर दिया ठीक है अच्छा अब इसके दरमियान ये जो गैप आ रहा है इसको हम खत्म कर देंगे ये गैप आपस में क्या हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा ऑप्शन डी और सी तो नहीं आएंगे क्योंकि शेड का तो जिक्र ही नहीं है तो शेड को क्यों किया ठीक है ऑप्शन बी भी नहीं आएगा क्योंकि बीच में इन्होंने ये जो दो डैश दे दिए ये असल में दो नहीं होने चाहिए ये चार होने चाहिए ठीक है क्योंकि उन्होंने वो सर्कल तो बना दिया लेकिन बीच में ये डैश दे दिए तो दो हम क्यों दे फिर हम चार दे देते हैं ठीक है वैसे डैश का तो कोई तुक्का नहीं बनता क्योंकि पहले वाले में उन्होंने कौन सा कोई डैश लगाया है लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ पे असल में ज्वाइनिंग की है ना चार तरीकों से एक यहाँ उन्होंने डैश लगा दिया एक यहाँ लगा दिया एक यहाँ लगा दिया एक यहाँ लगा दिया ठीक है तो उस डैश की वजह से वो ज्वाइनिंग लाइन लगने लगे अब यहाँ जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो चार डायरेक्शन आएंगे एक दो तीन और चार इसलिए आपका ऑप्शन बी नहीं होगा सी डी को तो मैंने वैसे ही क्रॉस कर लिया था और ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा ठीक है ए ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इज इट क्लियर यस सर सर क्लियर है सर ओके ठीक है जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाने ट्वेंटियथ नवंबर को इंशाल्लाह पीएफ कॉलेज लोटॉप का रिजल्ट है ठीक है उनकी वेबसाइट पे आ चुका है 20th नवंबर को लेकिन कुछ सिटीज जिनकी बारी बन रही है उनको तो पहले से ही लेटर आ जाएंगे इंशाल्लाह अब ये नहीं पता कि आगे कौन सी क्योंकि अभी सिर्फ सरगोधा के पेशावर में चल रही है और लोटॉप की कराची में चल रही है अब वहां से वो फारिग होते ही नेक्स्ट सिटी को कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 वही तो कम्प्लीटली उल्टा कर दिया ना ये जो पहला शेप है ये आखिर में आ गया दूसरे वाले में आखिर से दूसरा नंबर तीसरे वाले में आखिर से तीसरा नंबर फिर चौथा और फिर पांचवा और फिर ये छठा सबसे ऊपर चला गया ठीक है यानी कंप्लीट आप उसकी जो है ना वो चेंज कर दे यानी ये जो पहले वाला फिगर है लाइन वाले सबसे एंड पे जाएगा ठीक है अब जब ये एंड पे जाएगा वो ये लाइन देख लेना कुछ यू है ठीक है लाइंस की डायरेक्शन चेंज हुई है ये वाली लाइंस की ठीक है ये लाइंस यू बने हुए है ना और वो वाले लाइंस यू बने हुए हैं ये भी देख लेना ठीक है इन लाइंस को भी देख ले अच्छा अब ये आखिर में जाएगा तो ये आखिर में तो चला गया ठीक है अब ये दूसरे वाला यहाँ पे आ गया तीसरे वाला यहाँ पे आ गया चौथे वाला यहाँ पे आ गया ये पांचवे वाला यहाँ पे आ गया और ये छठे वाले यहाँ पे आ गया मुझे तो ऑप्शन बी दुरुस्त लग रहा है ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इन्होंने तो आखिरी फिगर ही गलत दिया है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है बस सिर्फ एक एक जगह मैंने देख ली ये जगह सिर्फ देख ली मैंने यही मुमासिलत नहीं रख रही और ऑप्शन बी रख रही है ठीक है समझ आ गई बेटा या दोबारा समझा दूं दोबारा देख ले बेटा यानी ये जो पहले नंबर पे बना हुआ है ना ये लास्ट पे चला गया इस तरह यहाँ जो पहले नंबर पे बना हुआ है ये लास्ट पे जाएगा अब यहाँ के लास्ट में डॉटेड है नहीं है यहाँ के लास्ट में ये चीज मौजूद है तो ठीक है यहाँ के लास्ट में भी डॉटेड है और यहाँ के लास्ट में जो है वो स्टेयर्स यानी सीढ़ी बनी हुई है तो ये भी नहीं है तो इसलिए ऑप्शन बी दुरुस्त आंसर है ठीक है चैट में आप लोग मुझे इस तरह आंसर भिजवा दिया करें ठीक है मुझे खुशी होगी क्वेश्चन नंबर 10 ओहो इसको आखिर से ना ये वाले लाइन और ये वाला लाइन इसका हटा दिया और बीच में जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस लग गए
और यहां से एक लाइन उन्होंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसका भी हम ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हटा देंगे, और ये तो बिल्कुल नहीं है ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें तो उन्होंने वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ही नहीं बनाए। इस ऑप्शन पे सोचा जा सकता है, लेकिन इन्होंने ये लाइन सेंटर में नहीं बनाया, हालांकि सेंटर में होना चाहिए, तो इसको भी क्रॉस करो। और सी और डी तो बिल्कुल एक जैसे है यार, अब क्या करूं? लेकिन मुझे लग रहा है कि सी आंसर होगा, क्योंकि लाइंस बारीक से लाइंस है जो सिर्फ इसके साथ मुमासिलत रखते हैं। यहाँ पे ये लाइन जो है ना काफी आपको बोल्ड दिखेंगे, खासकर ये दरमियान वाला लाइन, मतलब ये इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जरा क्लियर देखिएगा ना, तो ये लाइन की जितनी वेट है वो इसके साथ मुमासिलत तो रखती है, लेकिन इस दूसरे के साथ नहीं रखती, ठीक है। यहाँ पे लाइन जो है ना काफी बोल्ड है। अगर आपको कोई और चेंज नजर आ रहा हो तो काइंडली माइक पे आके मुझे बता दीजिएगा। अब्दुल वहाब अहमद फराज जी, प्रॉब्लम बताए। यही बताना था कि इसके अंदर ये लाइन बोल्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्र है, मैं यही कह रहा था। ठीक है ठीक है यार, स्टूडेंट्स चेंजिंग की फीस रहती है, काइंडली आप लोग अपना फीस सबमिट कर ले, काफी दफा बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिएगा जी अब्दुल्ला यासर। सर पीएएफ सरगोधा का रिजल्ट आ गया है। अब्दुल्ला यासर, आपके पापा का नाम फ्लाइंग अफसर शाहिद है? नो सर। ओके ओके, पीएफ कॉलेज सरगोधा का भी रिजल्ट नहीं आया, आप किस सेंटर से आपने टेस्ट दिया है? रावलपिंडी। रावलपिंडी, ओके। रावलपिंडी का तो अभी नहीं आया यार, उसमें तो कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे, ठीक है। और आज मैक्सिमम लड़के रेडी हो जाए इंटरव्यू के लिए, नमाज ब्रेक के बाद इंटरव्यूज है, एटलीस्ट मैं 6 लड़कों का इंटरव्यू आज करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैक्सिमम लड़के रेडी हो, और खासकर उन लड़कों का इंटरव्यू करूंगा जिनका अभी तक एक दफा भी इंटरव्यू नहीं हुआ, सिर्फ वो लोग हैंड रेस करेंगे जिनका एक दफा भी क्लास में इंटरव्यू नहीं हुआ, ठीक है। और उनकी फीस सबमिट हो चुकी है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई, आई विल नॉट इंटरव्यू, क्योंकि मैंने कहा था कि वो लोग फिर क्लास कंटिन्यू नहीं रखना चाहते ना। अच्छा बेटा 11 नंबर को देखे जरा, ये आप जो ना पहले नंबर को दूसरे पे कर दिया, दूसरे नंबर को आखिर पे कर दिया, तो आखिरी वाला पहले नंबर पे चला जाएगा। अच्छा आखिरी वाले को अनशेड है तो अनशेड ही रखिए, लेकिन पहले और दूसरे के कलर आपने चेंज करने हैं, ठीक है जी। अब्दुल्ला बिन सलमान मोहम्मद अहमद हुसैन बोले। कोई क्वेश्चन? आपने वो बोला था के लिए हैंड रेस करने का, अभी नहीं करने, अभी नमाज के बाद करने इंशाल्लाह, नमाज के बाद। अच्छा भाई, पहले वाले को आपने दूसरे नंबर पे रखना है और कलर उसका देना है शेडेड, तो ये ऑप्शन तो मुझे ठीक लग रहा है, ये ऑप्शन तो मुझे नहीं लग रहा, ये ऑप्शन भी मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे वाले को आपने लास्ट पे करना है, ठीक है, और अगर वो शेडेड है तो उसको अनशेड कर दे, तो ये तो उन्होंने शेड ही कर दिया लास्ट पे रख के, तो ये आंसर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट वाला ऊपर जाएगा, और अगर अनशेड है तो अनशेड ही रहेगा, तो वो भी ठीक है। यानी इस बी के ऊपर मैंने तीनों फिगर्स को क्लिक किया जो कि रूल्स को फॉलो कर रहे, इसलिए बी रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, बी इज द रिक्वायर्ड आंसर जी। अब्दुल्ला महमूद, आज आप सिर्फ देख लेना कि आप लड़के मुझे किस तरह इंटरव्यू देते हैं, मैंने आपको कुछ वीडियोज भिजवाए हैं अब्दुल्ला महमूद, तो वो वीडियोज आपने देखने हैं, और उन वीडियोज को देखने के बाद आप मुझे फिर इंटरव्यू देंगे, बेशक आपका इंटरव्यू कल या परसों में कंडक्ट कर लूंगा। लेकिन चूंकि हमारे पास इस दफा माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छा टाइम आ गया बाकी स्टूडेंट्स के लिए, कराची वालों को तो इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन बाकी लड़के बड़े खुशकिस्मत है, उनका इंटरव्यू 20-25 दिन बाद होगा, तो मैं तकरीबन हर एक लड़के का 4-5 दफा इंटरव्यू कर लूंगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला महमूद, आप क्या माइक पे आके बता सकते हैं? हेलो, सलाम कर ले बेटा। अब्दुल्ला महमूद अनम्यूट करें खुद को। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला महमूद कैसे हो बेटा, ठीक हो? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरा नंबर कैसे मिला पहले ये बताएं। सर फेसबुक से। अच्छा फेसबुक पे किस जगह से मिला?
आसान अकेडमी पे मैंने मैंने आपके पहले भी यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर लिए थे, आपका नंबर नहीं मिल रहा था, फिर गूगल से सर्च किया, फेसबुक में गया तो मिल गया मुझे नंबर आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, फेसबुक पे आपने अजहान कैडेट कोचिंग सर्च किया फिर? यस सर। अच्छा, थैंक यू सो मच यार, फेसबुक ने आज हमें एक स्टूडेंट दिलवाया, वो भी माशाल्लाह बड़ा काबिल सा। सर आपका बहुत पहले से मतलब सर यूट्यूब पे मैं रहता था, मुझे आपका नंबर नहीं मिल रहा था। अच्छा, फिर तो आपने यूट्यूब से रिटन टेस्ट की भी अच्छी प्रिपरेशन की होगी, क्योंकि रिटन टेस्ट की भी काफी लेक्चर्स है, ऐसे ही है क्या? सर आपसे मैंने बहुत से तैयारी की आपसे। वो यूनिवर्सल है, उसमें 1-2 नहीं है, बस वो आपने देखना है, ठीक है? यस सर, मैं देख लिया। ओके, ये 2-3 दिन देख लेना, फिर मैं आपको कुछ और चीजें भी भिजवाऊंगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, बाकी तमाम कैडेट्स, अगर आप लोग के कोई दोस्त वगैरह है जिन्होंने सरगोधा लोटोपा के टेस्ट दिए हैं और वो इंटेलिजेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको भी इनवाइट कर लीजिएगा, ठीक है? और अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तो काफी ज्यादा आपके दोस्त होंगे जो कि सक्सेसफुल हो जाएंगे और वो लोग चाहेंगे कि हम तैयारी कर लें, ठीक है? खासकर 20th of November तक इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12, आप लोगों से ज्यादा मुझे रिजल्ट का इंतजार है बेटा। अच्छा, इसके आपने ओरिएंटेशन चेंज करनी है, ठीक है? यानी इस फिगर को आपने ऊपर बना दिया और ऊपर वाले फिगर को आपने नीचे बना दिया, जस्ट यू हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन, ओके? डाउनवर्ड वाला अपवर्ड, अपवर्ड वाला डाउनवर्ड, तो सेम यही काम इधर भी करना है, जस्ट चेंज द ओरिएंटेशन। ये वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं है, शेडेड की बात कहां से आ गई, और ये भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ओरिएंटेशन गलत तरीके से चेंज की, डायगोनल वाइज चेंज करनी थी, यानी ये वाला इधर नीचे आएगा, ठीक है? तो ये वाला बिल्कुल सही है, नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया, तो ऑप्शन डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। और मुदस्सिर सखावत, ये बड़ा अच्छा बच्चा है यार, बोले बेटा। सर मैं कह रहा था कि सर इस तरह के सवाल आया था सर, पीएफ कॉलेज सरगोधा के इंटेलिजेंस टेस्ट में यही सवाल आया था। माशाल्लाह, देखिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना क्लास में, इससे बहुत ज्यादा चीजें आपके पेपर में एग्जैक्टली आएंगी। अब ये नॉन वर्बल नंबर 2 के जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद करने हैं, और अगर मुझे किसी का मैसेज आ गया कि समझ नहीं आ रहा, तब मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा, अदरवाइज मैं कल 3 कराऊंगा। अभी आप लोग नमाज ब्रेक कर ले, और कितने बजे वापस आना है? 7:15 बजे, नहीं 7:25 पे दोबारा आ जाए क्लास में, 7:25, 25 मिनट की ब्रेक कर ले, फिर मैं आप लोग का लाइव इंटरव्यू सेशन चलाऊंगा इंशाल्लाह।